1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। टाटा इंडिका ने वो सफलता प्राप्त नहीं करी जैसा कि रतन टाटा सर ने सोचा था। टाटा इंडिका की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसी वजह से रतन टाटा सर ने इसे बेचने का फैसला किया और इसे बेचने के लिए अमेरिकी कंपनी फोर्ड को चुना। फोर्ड के सीईओ विल फोर्ड ने इसे लेने से मना कर दिया। कुछ ही सालों बाद 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया और फोर्ड को भारी नुकसान हुआ, की वजह से उनको अपनी दो पसंदीदा कार लैंड रोवर और जगुआर को रतन टाटा सर को बेचना पड़ा। ये भारतीय कंपनी कार निर्माता की ही जीत नहीं थी, रतन टाटा सर की व्यक्तिगत जीत भी थी।